हमारा काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम स्पेशल यूज कर रहे हैं कॉलम और बीम के लिए आर्ट अटैक। आप तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे बाबा मध्यमेश्वर जी की कृपा से। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्लॉग में हमारी। तो दोस्तों आज हम प्रॉपर अपने खेत में हैं और ये देखो हमारा काम भी स्टार्ट हो चुका है। देखो और इधर भर रहे हैं मजदूर लोग हमारे कंक्रीट। देखो खेतों में लोग अभी देखो धान ढूंढ कर रहे हैं। तो ये हल लग चुकी है और ये अब खेतों की छटाई हो रही है ढंग से। तो काफ़ी साफ सफाई होगी एक बार, उसके बाद उसमें बोया जाएगा अनाज। तो चले उसके बाद हम ले चल रहे हैं आपको लेबर के धुरे। आइए आप, यहाँ तो कंक्रीट जा रहा है हमारा। ये देखिए ये हमारे कंक्रीट हैं 20 सेंटीमीटर वाली, जो कि ये कॉलम बीम और लेंटर डालने के काम आता है। फिर निकल रहे हैं यहाँ से आगे और चलते हैं इधर जहाँ हमारे कमरे बन रहे हैं और दिखाते हैं जरा आपको। तो देखो यहाँ पे हमारे भीम भाई लगे हैं मिस्त्री के रूप में। और देखो नई तकनीकी है, हमने पहले सबसे पहले ये क्या डाला नीचे सीसी डाला ना इसमें ब्लॉक रख रहे हैं कि जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसमें फंटी हमारी कम है। तो हमने ऐसा मिस्त्री जी ने जुगाड़ किया है कि जो ऐसे में अरे बावरे मिस्त्री जी हमारे गिर गए थे, अरे भगवान है ऊपर से गिर गया। हाँ तो देखो ये सरिया यहाँ तक तो डाल दिया हमने मसाला भी। और ये आप देखिए यहाँ पे ये कंक्रीट बालू हमने तैयार कर रहे हैं मिक्स, इसके अंदर यहाँ बजरी और सीमेंट अभी आने ही वाला है हमारा। तो चले गए हैं ये लोग सीमेंट लेने के लिए। तो हम आपको क्लियर नाप दिखा रहे हैं, देखिए इतना हमारा काम हो चुका है पूरा। ये 32 इंच में हमने एक ये क्या कहते हैं इसको बीम है लेंटर भी बोलते डोवरमेंट भी बोलते ये डोवरमेंट बोल लो, हमारे मिस्त्री जी कह रहे हैं इसको हम डोवरमेंट ही बोलेंगे। तो ये देखिए आप, तो 32 इंच में हमने एक बार दीवार लगाई, उसके बाद ये सरिया काटा है 2.5 फुट का और इसमें ऐसा बांधे कुछ क्लिप है और इस प्रकार से हमने तैयार किया। फिर तो आप देख रहे होंगे यहाँ पड़ चुका है हमारा लेंटर जो हमने डाला है। तो अब इसकी हाइट हो चुकी है कितनी, ठीक 3 फिट। अब 3 फिट हो गई तो इसमें हमारा सीधा अब खिड़की लगेगा। यहाँ खिड़की आएगी सीधा 4 फिट की लगा रहे हैं, जो भी है कि जो जितने लगा सकते हैं, पर एक बार 3 फिट के बाद। और इस तरफ हमारे दरवाजे आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ दरवाजा हो जाएगा, यहाँ खिड़की, यहाँ से अंदर जाने के बाद यहाँ छोड़ रखा है अभी। तो यहाँ अभी बनाना है हमको पीछे किचन, तो यहाँ किचन बना देंगे हम। और ऐसी कुछ दीवार हमारी पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो होगा वो दिखाया जाएगा आपको। तो इतने तक तो हमने कर दिया है और आज इतना क्लियर हो जाएगा शाम तक। तो दिन के लगभग लगभग 3 बज चुके हैं और आज की वीडियो की शुरुआत मैं अपने घर से बोलूँगा, क्योंकि अब घर शुरू हो गया है मेरा, तो वो घर से कर रहा हूँ और अपनी लेबर के बीच से कर रहा हूँ। तो ये बात है कुछ ऐसी। तो देखिए और यहाँ बीच में जो पर्दा वाला है ना ये सिंगल है, तो यहाँ भी हमने ये सरिया बांध दिया है एक।
तो ये सरिया का जाल बांधने के बाद हम दिखा रहे हैं आपको संपूर्ण लेंटर और दीवार भी ये 1 मीटर की पूरी हो चुकी है हमारी। आप समझो शाम तक तो हो ही जाएगी। तो ये है मेरे को। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये ब्लॉग भी बनाया हमने, जैसा मसाला बच जाता है हमारा लास्ट टाइम पे, तो हमने कुछ देखो ऐसे ब्लॉग भी बना दिए हैं अपने सीमेंट के। देखो इधर उधर से कड़ी के टुकड़े लगा दिए, बीच में हमने ईंट रख दी। इसकी लंबाई है जबकि कितनी, ऊंचाई है 4 इंच और इसकी लंबाई है 18 इंच। तो दो ईंटों के बराबर लंबाई कर दी और ऊंचाई 1 ब्लॉक के बराबर। तो ये है कुछ मांजरा ऐसा। तो मकान बनाने का भी हर किसी को नॉलेज नहीं रहता भैया, ये सोच सोच के करना पड़ता है। और अब जब आप लोग एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं चाहे किसी की भी, तब कुछ आपको अनुभव लगते हैं, तो कुछ ना कुछ अनुभव हमसे भी ज़रूर आपको मिलेगा। तो देखिए आप, जैसे ये कॉलम मैंने पहले भी बताया, ये पत्थर रखे हमने बीच में, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा जब हम यहाँ से ऊपर भरेंगे, तो इसके लिए कुछ सपोर्ट मिलेगा ही ज़रूर। तो ऐसी बात है, आ चुका है हमारा अल्टर टैंक। तो इसके लिए हम स्पेशल यूज कर रहे हैं कॉलम और बीम के लिए अल्टर टैंक। आप लोग तो पता नहीं किस सीमेंट को यूज करते होंगे। और चिनाई में हम लगा रहे हैं श्री बोले तो जंग रोधक है ये सीमेंट, उसको हम चिनाई में यूज कर रहे हैं और कॉलम बीम में हम कर रहे हैं अल्टर टैंक को। तो आप लोग भी देखना भाई कौन सा सीमेंट बढ़िया रहता है, हमने तो इसी को सोचा है फिलहाल लेंटर के लिए, फिर अलग होगा तो वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो एंड कर दें लास्ट करने के बाद पूरा, चलो वो भी दिखाते हैं कैसे डालना है, उसके बाद करते हैं। नाम तो मोहन सिंह हो, बिल्कुल ऐसा नाप आ गया भीम भाई, 1 मीटर 17 बिल्कुल फिट। नहीं पीता है, भिम भी नहीं ऐसा वाला नहीं पीता है, कभी कभी कोशिश दिएगा तो पिएगा ना।